जय श्री कृष्ण। तो पिछली क्लास में हम लोग कूलॉम्स लॉ देख रहे थे, लेकिन कूलॉम्स लॉ का में हमने ये देखा था कि जो वैल्यू देखी थी और उसका जो डायरेक्शन होता था वो देखते थे, भाई अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है, इस तरह से देखते थे। अब एक कूलॉम के लॉ का एक और फॉर्मेट है जिसमें हम कूलॉम का लॉ जो है उससे जो फोर्स आएगा वो फोर्स आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में आएगा, यानी फोर्स वेक्टर फॉर्म में आएगा। मतलब सिर्फ वैल्यू ही नहीं आएगी फोर्स की, उस फोर्स का डायरेक्शन भी आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में आ जाएगा। तो कूलॉम लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या होता है, बारीकी से इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, सपोज कर ले कि एक कोई चार्ज है Q1 और इसका जो पोजिशन वैक्टर है वो पोजिशन वैक्टर है R1। यहां पर कोई एक दूसरा चार्ज है Q2, इसका पोजिशन वैक्टर है R2। पहले चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R1, दूसरे का R2, और हम इन दोनों चार्जेस को मिला देते हैं तो मिलाने के बाद जो पोजीशन वेक्टर आएगा R21 बोलेंगे। R21 का मतलब आप जानते भी हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। V21 का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। A21 का मतलब होता है एक्सेलेरेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो आप R21 का मतलब भी जानते हो। तो खैर, इसके अंदर मान लेते हैं कि जो पहला पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल पे जो फोर्स लगा रहा है उसको मैं बोलूंगा F21। ठीक है, F21 का मतलब हम यहां पर लिखेंगे, अलग अलग बुकों में अलग अलग तरह से बोलते हैं। F21 का मतलब है फोर्स ऑन द सेकंड पार्टिकल, सेकंड या चार्ज बोल देता हूं मैं, due to the force on the second charge due to the first charge। F21 का मतलब हो गया force on the second charge due to the first charge। R21 का मतलब हो गया position of second particle, position of second particle विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल। पोजिशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल, जो सेकेंड पार्टिकल है उसका पोजिशन फर्स्ट पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। तो ये कुछ बातें हो गई। अब इसमें जो F21 की वैल्यू है, जो F21 है फोर्स ऑन द सेकेंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल, F21 की वैल्यू हम लोग ऐसे लिखते हैं, F21 जो आता है ये होता है के, ध्यान रहे यहां पे Q1 Q2 साइन के साथ होंगे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे, के Q1 Q2 वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R21 का क्यू। इसका मतलब क्या है कि के Q1 Q2 वेक्टर R21 इसलिए लिखा है कि ये जो फोर्स होगा वो इसी लाइन के लॉन्ग होगा, तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। और R21 का क्यूब मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कूलॉम्स लॉ में R का स्क्वायर आता है, तो एक R ऊपर है, एक R नीचे, एक R से एक R कट जाएगा तो बचेगा R स्क्वायर ही। लेकिन यहां वेक्टर लगाने का मतलब कि हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा कि ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो F21 की जो वैल्यू आएगी वो के Q1 Q2 R21 अपॉन मॉड ऑफ R21 का क्यूब, ये हो जाएगा। ये कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है जो आपको रट लेना है। ठीक है, मतलब भाई एक समझाने वाली बात तो है कि भी टीचर आपको एक बार समझा देगा, एक बार दो बार तीन बार समझा देगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको इसे लर्न कर लेना है। मतलब आप इसको याद कर लेंगे तो ये चीज आपको मदद करेगी। तो ये कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हो गया। अभी आपसे कहते नहीं F12 बताओ, F12 का मतलब होता फोर्स ऑन द फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू द सेकंड पार्टिकल, तो अगर F12 निकालना है तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 R12 वेक्टर R12 अपॉन मॉड R21 का R12 का क्यू, इस तरह से हो जाएगा। अब कूलॉम्स लॉ को हम लोग अप्लाई करते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस में, वेक्टर फॉर्म को हम अप्लाई करते हैं। तो जैसे एक सिचुएशन यहां पर मैं आपको दे रहा हूं जिसमें हम वेक्टर फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलॉम इज केप्ट एट 1, -1, 0। Another charge of -3 microcoulomb is kept at, another charge of -3 microcoulomb is kept at 2,
वन कॉमा माइनस टू, एनदर चार्ज ऑफ माइनस थ्री माइक्रो कूलम इज केप्ट एट टू कॉमा वन कॉमा माइनस टू. फाइंड द फोर्स ऑन, फाइंड द फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, फाइंड द फोर्स ऑन द सेकेंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज, फाइंड द फोर्स ऑन द ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज. A charge of 1 microcoulomb is kept at 1 comma minus 1 comma 0. Another charge of minus 3 microcoulomb is kept at 2 comma 1 comma minus 2. Find the force on second charge due to the first charge. तो आप 2 मिनट का पॉज देंगे, फिर पॉज लेने के बाद अरेस्टर का सोल्यूशन देखेंगे. तो मैं इसको सॉल्व करूंगा. अब मैं एक एक चीज, जैसे इस चार्ज को मैं पहला चार्ज मान रहा हूँ, इसको दूसरा चार्ज मान रहा हूँ, और मुझे सेकेंड चार्ज पर फर्स्ट चार्ज के कारण फोर्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, F21 लिखने जा रहा हूँ. F21 is equal to K. K हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q1. पहला चार्ज जो है 1 माइक्रो कूलम है, तो 1 माइक्रो कूलम का मतलब 10 टू दी पावर माइनस 6. दूसरा माइनस 3 माइक्रो कूलम है, तो माइनस 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6. R21, R21 का मतलब देखें यहां पर, अगर इस यहां से आप ध्यान से देखें तो R21 जो बेसिकली होता है, ये होता है R2 माइनस R1. R21 जो है वो हमेशा R2 माइनस R1 होता है, हम लोग जानते ही है, 11 क्लास में पढ़ रखा था. तो अगर मुझे R21 निकालना है तो मुझे R2 माइनस R1 करना पड़ेगा. ये R1 नहीं, R2 है. इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस 1 2 हो जाएगा, और माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 रहेगा. तो अगर मैं R21 निकालना चाहता हूं, यहां से यही निकाल रहा हूं R21, तो R21 हो जाएगा दिस माइनस दिस, 2 माइनस 1 1, तो 1 आई कैप, फिर 1 माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 जे का, माइनस टू माइनस जीरो जो है हो जाएगा माइनस टू के का. तो ये आर टू वन की वैल्यू आ गई. आर टू वन हो जाएगा आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस टू के कैप अपॉन इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब. ध्यान से देखो, इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब कितना आएगा बताओ, बोलो, 3 आएगा. मॉड आर टू वन अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मॉड आर टू वन आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करूं तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये 3 आ जाएगा. तो आर टू वन की वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगी, तो ये 3 के बराबर हो गया 3 का क्यूब. यह आ जाएगा. अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 का क्यूब 27 और 9 इंटू 3 ये भी 27, तो अब ये 27 से 27 कट जाएगा और ये बराबर जो आएगा अपने पास ये आएगा माइनस ऑफ 10 टू दी पावर माइनस 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप. एफ टू वन जो आएगा वो माइनस ऑफ 10 टू दी पावर माइनस 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप. ये एफ टू वन की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कूलॉम लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है उसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस. जैसे मैंने जब कूलॉम्स लॉ पढ़ाया था तो मैं एक बात पे खामोश रहा था. मैंने ये बोला था कि कूलॉम्स लॉ की मीडियम डिपेंडेंस हम आपको बाद में बताएंगे. खामोश क्यों रहा था, मैंने कुछ बोला इसलिए नहीं क्योंकि इसका मीडियम डिपेंडेंस जो है वो समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है, स्ट्रेट नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है. तो क्या है मीडियम डिपेंडेंस और किस तरह से हम लोग इसको समझेंगे, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं. सपोज करिए कि कोई चार्ज है Q1, पहले समझिएगा, फिर जो भी काम की बात होगी मैं सब लिख दूंगा, सब लिखा दूंगा. ठीक है, वो मेरा काम है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है. एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, वैक्यूम के अंदर रखे गए हैं और वैक्यूम के अंदर ये 1 और 2 जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, 1 या 2 जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं वो इसके बराबर आता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. दो चार्जेस Q1 Q2 अगर वैक्यूम में रखे गए हैं R दूरी पर, तो वो एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे F21 या F12 दोनों की जो वैल्यू आएगी वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आएगा, जहां K जो है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9. अब अगर मान लो कि इन चार्जेस को हम किसी मीडियम में इंसर्ट कर देते हैं, मीडियम की बाउंड्री थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो जैसे यही जो दो चार्जेस थे Q1 Q2 इसको मान लो कि मैंने गड्ढा खोद के जमीन में गाड़ दिया, दूरी वही रखी इनके बीच की,
लेकिन इनको गड्ढा खोद के जमीन में गाड़ दिया या समुद्र में ले जाकर डुबो दिया या कोई भी मीडियम है, मिट्टी का तेल बहुत सारा है, मतलब मीडियम की बाउंड्री लार्ज होनी चाहिए, मतलब छोटा मीडियम नहीं होना चाहिए, खूब बड़ा मीडियम होना चाहिए, और उसमें हमने इन दोनों चार्जेस को डाल दिया। अब जो भी मीडियम है इसके आसपास मीडियम आ गया, अब मीडियम आ गया तो मीडियम के आने से क्या फर्क पड़ेगा ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। मीडियम का मतलब क्या है? मीडियम का मतलब हुआ कि मीडियम का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। भाई अगर आप पानी एक मीडियम है मान लीजिए, हम पानी को बात करेंगे तो पानी को अगर हम समझेंगे तो पानी वास्तव में क्या है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का कनेक्शन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के उनका कनेक्शन है। तो मीडियम का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, दो चार्जेस जो है उनके बीच में, अगर मैं उनको उनके बीच में कुछ मीडियम है, इसका मतलब उनके बीच में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब होता क्या है कि ये जो Q1 और Q2 चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, ये जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना इस मीडियम में, उन मॉलिक्यूल्स को पोलराइज कर देते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को पोलराइज कर देते हैं, और वो जो पोलराइज्ड मॉलिक्यूल होते हैं वो Q2 के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं। देखो Q1 जो Q2 पे लगा रहा था वो अभी भी उतना ही लगेगा, मतलब मीडियम डिपेंडेंस पे मैं थोड़ा सा क्लियर करूं कि अगर दोनों चार्जेस के बीच में कुछ मीडियम आ जाए तो Q1 जो Q2 पे फोर्स लगा रहा था वो अभी भी उतना ही लगेगा, लेकिन मीडियम डालने से क्या होता है, मीडियम के जो एटम्स होते हैं वो पोलराइज हो जाते हैं, और पोलराइज होकर के Q2 के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा, Q2 या Q1 के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाने लगते हैं, और एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की वजह से क्या होता है कि नेट फोर्स जो इन चार्जेस का एक दूसरे पर वो बदल जाता है। Q1 जो Q2 पे लगा रहा था वो अभी भी वही रहेगा, ये बात आपको समझनी है। यही चीज कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर आप दो चार्जेस को किसी मीडियम में डाल देते हो तो Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा था वो अभी भी उतना ही लगेगा। हाँ, वो अलग बात है कि मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पोलराइज हो जाएंगे, और पोलराइज होकर के Q2 के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाने लगेंगे, तो Q2 या Q1 के ऊपर जो नेट फोर्स है वो बदल जाएगा। Q1 ने जो Q2 पे लगाया था वो अभी भी वही रहेगा, यही बात आपको समझनी है कि Q1 ने Q2 पर जो भी फोर्स लगाया था वो अभी भी वही रहेगा, लेकिन मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलराइज होंगे और पोलराइज होकर के कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाने लगेंगे। अब ये जैसे आप इस बात को मान लीजिए, हो सकता है विजुलाइज ना कर पा रहे हो कि क्यों पोलराइज होंगे, तो मैं आपको समझा दूं। जैसे कोई भी एटम है उसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी नेगेटिव चार्ज होता है। अब मैं यहां एक पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं, मान लो Q1 रख देता हूं, तो ये Q1 क्या करेगा, इनके प्रोटॉन्स को तो अपनी तरफ खींचेगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां से हटके थोड़ा इधर आ जाएगा, सॉरी ये Q1 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है तो ये प्रोटॉन्स को रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा आगे चला जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएंगे। तो अब क्या होगा कि पॉजिटिव यानी प्रोटॉन्स या न्यूक्लियस थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा और जो शेल है, जो इलेक्ट्रॉनों का शेल है वो थोड़ा इधर आ जाएगा, तो अब देखो ये प्लस माइनस सेपरेट हो गया, इसी को तो पोलराइजेशन कहते हैं ना हम लोग। तो होता क्या है कि अगर आप दो चार्जेस के बीच में मीडियम इंसर्ट कर देते हो तो एक का दूसरे पर जो फोर्स है वो नहीं बदलता है, पहली बात आपको यही समझनी है। दूसरी बात यह है कि अब जो मीडियम है उसके एटम्स पोलराइज होते हैं और पोलराइज होकर के इन चार्जेस के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स, अलग से फोर्स लगाने लगते हैं, और इन चार्जेस के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स बदल जाता है, यही आपको समझना है। तो एक सवाल भी आया था कभी जेई मेन के अंदर, सवाल आया था कि कूलॉम्स लॉ मीडियम डिपेंडेंट है कि नहीं है, तो वास्तव में कूलॉम्स लॉ मीडियम डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि Q1 ने जो Q2 पे लगाया था वो थोड़ी ना बदला यार, वो तो अलग से बहुत सारे और लोग आ गए, वो इसके ऊपर अलग से फोर्स Q2 पे लगाने लगे तो नेट बदल गया, लेकिन Q1 Q2 पे थोड़ी बदल रहा है, Q1 का Q2 पे फोर्स अभी भी वही है, तो नेट फोर्स जो है उसके अंदर बदलाव आ जाता है, ये आपको समझना है। अब मैं इस चीज को नोट कर दे रहा हूं, ठीक है, ये चीज मैं लिखने जा रहा हूं, वेन एवर लिखता हूं, मैं इधर से लिखता हूं, जगह अपने पास जितनी उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, वेन एवर मीडियम इज इंसर्टेड, वेन एवर ए मीडियम इज इंसर्टेड बिटवीन टू चार्जेस, वेन एवर ए मीडियम इज इंसर्टेड बिटवीन टू चार्जेस, the force on each other, यहां लिख देता हूं मैं,
the force on each other does not change. But the atoms of the medium are polarized other does not change, but atoms of the medium are polarized, and these polarized these polarized atoms exert does not change, but the atoms of the medium are polarized, and these polarized atoms exert some extra force on each charge. Therefore, net force on a charge, changes. अब किसी एक चार्ज पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो बदल जाता है. अब नेट फोर्स बदल के कितना होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं. ये लिख रहा हूं जहां मीडियम बनाया था, ये जो भी नेट फोर्स होता है ये बदल के जहां यहां मीडियम बनाया वहीं पे लिख दे रहा हूं. इसी के कंपैरिजन में ये आ जाता है 1/ इसको थोड़ा क्लीन कर लूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है. 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 upon R square. जहां ये एप्सिलॉन आर जो है ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये जो एप्सिलॉन आर है इस एप्सिलॉन आर का नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी. अभी नीट 2020 में इसी पे एक सवाल आ गया था रिलेटिव परमिटिविटी से. तो एप्सिलॉन आर जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है. और इसी एप्सिलॉन आर को आगे चल करके जब मैं आपको कैपेसिटर पढ़ाऊंगा तो इसी का एक और नाम होता है, इसी का एक नाम है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इसको हम लोग के से दिखाते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या के से दिखाते हैं. तो एप्सिलॉन आर के दो नाम हो गए, एक रिलेटिव परमिटिविटी और एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अब ये जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या एप्सिलॉन आर है इसकी जो वैल्यू आती है ये वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होती है. ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा एक से बड़ी होगी. हम इसे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले या रिलेटिव परमिटिविटी बोले दोनों एक ही बात है. और ये वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होती है. ये वन ली जाती है एयर या वैक्यूम के लिए, हम इसको वन ले लेते हैं. प्योर वाटर के लिए ये 81 है, याद नहीं करना है आपको, बस एक फील दिलाने के लिए बता रहा हूं. प्योर वाटर एक नॉन कंडक्टर होता है, वो तो उसके अंदर इंप्योरिटीज आ जाती है इस वजह से वो कंडक्टर हो जाता है. तो 81 आता है ये प्योर वाटर के लिए. और कंडक्टर के लिए, कंडक्टर जो होता है उसके लिए इन्फिनाइट आ जाता है. कंडक्टर के लिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो इन्फिनाइट होती है. तो फिर से मैं इस पूरी बात को समराइज कर देता हूं कि अगर मैं Q1 Q2 के बीच में मीडियम लगाता हूं तो मीडियम लगाने से Q1 का Q2 पे फोर्स नहीं बदलता है, लेकिन मीडियम के जो एटम्स हैं वो Q1 Q2 पे कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाने लगते हैं जिसकी वजह से Q1 मतलब जो नेट फोर्स होता है उसके ऊपर वो बदल जाता है. जो नेट फोर्स बदल जाता है तो नेट फोर्स बदलने की वजह से जो 1/k टाइम्स हो जाता है या 1/εr टाइम्स हो जाता है, जहां εr जो है वो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी है. ये एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं. इसमें क्या है कि दो चार्जेस हैं, दोनों इक्वल चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस रस्सियों से बंधे हुए हैं और फिलहाल ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा के बराबर है, ठीक है. और ये एंगल थीटा के बराबर है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है.
अब हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरे पूरे सिस्टम को हम किसी एक लिक्विड में डाल दे रहे हैं, लिक्विड में डाल दे रहे हैं, तो लिक्विड में डालने के बाद क्या हो रहा है उसी के ऊपर ये सवाल बना है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं, द सिस्टम इज एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम, द सिस्टम इज एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम नाउ, इट इज immersed in a liquid. Now it is immersed in a liquid such that density of the ball is thrice the density of liquid. Density of ball is thrice the density of liquid. The system is at rest in equilibrium. Now it is immersed in a liquid such that density of the ball is thrice the density of liquid. Density of ball is thrice the density of liquid. In equilibrium, the angle does not change. In equilibrium, the angle does not change. Find the in equilibrium, the angle does not change. Find the dielectric constant of liquid. Find the dielectric constant of the liquid. सवाल मैं आपको समझा रहा हूं, सवाल ये था कि ये दोनों हवा में ऐसे ही लटके हुए थे और इक्विलिब्रियम में इनके बीच का जो एंगल था वो थीटा था, ऐसे ही हवा में लटके हुए थे। अब हमने पूरे पूरे सिस्टम को एक लिक्विड में डाल दिया और उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आपको पता लगाना है। हाँ, ये जरूर हमें पता है कि जो बॉल है उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी की 3 गुनी है, थ्राइस है, तो आपको लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बताना है। तो पहले तो देखो शुरुआत में क्या था, शुरू की जो कंडीशन है वो यहां पे बनी हुई है। शुरुआत में एक इसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिकल लग रहा होगा, एक यहां टेंशन लग रहा होगा, एक यहां एमजी लग रहा होगा। ठीक है, ये इतने सारे फोर्सेस लग रहे होंगे। अब ये वाला एंगल थीटा था, तो अगर मैं रिजोल्व करूं फोर्स बैलेंस करने के हिसाब से, तो टी का इधर कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, और टी का इधर कंपोनेंट आ जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है, तो टी साइन थीटा जो आएगा ये आ जाएगा एफ ई, और टी कॉस थीटा जो आएगा ये एमजी के बराबर हो जाएगा। टी साइन थीटा एफ ई के बराबर होगा, टी कॉस थीटा एमजी के बराबर हो जाएगा, और हम इसे डिवाइड कर दें अगर तो टैन थीटा जो आएगा इट विल बी इक्वल टू एफ ई अपॉन एमजी। जो टैन थीटा होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल फोर्स अपॉन वेट ऑफ द बॉडी, ये टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये तो तब की बात है जब हमने इसको अभी लिक्विड में इमर्स नहीं किया है। अब हम लिक्विड में इमर्स करके देखते हैं कि इमर्स करने के बाद क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर हम इसको किसी लिक्विड के अंदर इमर्स कर देते हैं, क्वेश्चन में ये बता दिया कि इमर्स करने के बाद भी एंगल नहीं चेंज हो रहा है, इमर्स करने के बाद भी एंगल नहीं चेंज हो रहा है, जैसे ये थीटा है तो ये थीटा ही रहेगा। ठीक है, और ये अगर लिक्विड में इमर्स कर देंगे mg, ये fe, ये t, और लिक्विड इमर्स करेंगे तो एक एक्स्ट्रा फोर्स और आ जाएगा। कौन सा फोर्स आएगा बताओ, वो एक्स्ट्रा फोर्स कौन सा होगा, बायोम फोर्स होगा, लिक्विड बायोमसी भी अप्लाई करेगा। हाँ, अभी बात करेंगे हम,
ठीक है, सबकी बात करेंगे, सबका नंबर आएगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, टी का इधर कंपोनेंट आ जाएगा टी कॉस थीटा, टी का इधर कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा, ठीक है। और अगर मैं सारे फोर्सेस को बैलेंस करूं, तो सारे फोर्सेस को मैं बैलेंस करूंगा, तो इस बार जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसको एफ ई डैश बोल दे रहा हूं, क्योंकि जब आप मीडियम डाल दोगे तो मीडियम डालोगे तो इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो तो बदल जाएगा ना, वन बाई के टाइम्स हो जाता है, जो भी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट था उसका वन बाई के टाइम्स हो जाता है। तो अब अगर मैं इसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये आएगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई डैश, और दूसरा इसके अंदर आएगा टी कॉस थीटा प्लस बी इज इक्वल टू एम जी। तो यहां से टी कॉस थीटा की वैल्यू जो आएगी, टी कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी विल बी इक्वल टू एम जी माइनस बी, टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी माइनस बी, ये हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसको फिर से अगर डिवाइड करेंगे तो फिर से डिवाइड करेंगे तो टैन थीटा जो आएगा आ जाएगा एफ ई डैश अपॉन एम जी माइनस बी। बहुत छोटी सी बात है, अगर मैं इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान लूं तो जो भी नेट फोर्स होता है ना वो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद या मीडियम डालने के बाद वन बाई के टाइम्स हो जाता है, तो जो भी इसका नेट फोर्स होगा एफ ई डैश इट विल बी इक्वल टू एफ ई अपॉन के। तो एफ ई डैश की जगह हम एफ ई अपॉन के बोल सकते हैं, एफ ई अपॉन के ये हुआ एम जी माइनस बी। अच्छा टैन थीटा यहां से भी निकाला था मैंने, ये एफ ई अपॉन एम जी के बराबर था, टैन थीटा जो था वो एफ ई अपॉन एम जी के बराबर था। एफ ई से एफ ई उड़ जाएगा, एफ ई से एफ ई उड़ जाएगा और यहां से ये उड़ जाएगा, और के की जो वैल्यू आएगी, के जो आएगा वो बराबर आ जाएगा एम जी अपॉन एम जी माइनस बी। के की वैल्यू एम जी अपॉन एम जी माइनस बी। अब इसमें एम जी अपॉन एम जी माइनस बी जो है, अगर ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो अब इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मान लेता हूं कि ये जो बॉल थी इसका वॉल्यूम वी था और इसकी डेंसिटी जो सॉलिड मटेरियल है या जो बॉल है इसकी डेंसिटी मैं रो एस मान लेता हूं और लिक्विड की डेंसिटी मैं रो एल मान लेता हूं। तो बॉल का जो मास आएगा, मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो एस इंटू वी इंटू जी। फिर से यहां वही रो एस डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वी इंटू जी। बायोन फोर्स अगर आप याद करें, याद होगा आपको, आप लोग अच्छे बच्चे हो, होगे नहीं अच्छे बच्चे, तो बायोन फोर्स जो होगा वो बराबर होगा वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो पूरा का पूरा ही वॉल्यूम डुबो दिया था तो वॉल्यूम तो वी आ जाएगा, लिक्विड की डेंसिटी रो एल हो गई इनटू जी। अब यहां से हम सॉल्व करके देखें तो जो के की वैल्यू आ रही है यहां से आप देखेंगे तो वी सारा उड़ जाएगा, जी सारा उड़ जाएगा और के जो आएगा यह आएगा रो एस अपॉन रो एस माइनस रो एल। अब इन्होंने दिया है कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी की तीन गुनी है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी की तीन गुनी है, तो हम रो एस की जगह थ्री रो एल लिख देते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज थ्री टाइम्स द डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन थ्री रो एल माइनस रो एल, यह आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो रोयल से रोयल कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 बाई 2 के बराबर आ जाएगा। तो जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 3 बाई 2, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। कंसेप्ट सवाल क्या था मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि पहले ये दोनों ऐसे हवा में लटके हुए थे या वैक्यूम में लटके हुए थे और इनके बीच एंगल थीटा इस तरह से बन रहा था, फिर बाद में इस पूरे सिस्टम को हमने किसी लिक्विड में डाल दिया और लिक्विड में डालने के बाद भी इनके बीच जो एंगल रस्सियों के बीच बन रहा था इक्विलिब्रियम में वो अभी भी वही बन रहा था। लिक्विड में डालेंगे तो दो फर्क पड़ेगा, एक तो ये होगा कि भाई एक बायोंसी फोर्स अलग से लगने लग जाएगा और दूसरा इसके अंदर क्या हो जाएगा कि ये एफ ई डैश हो जाएगा, ठीक है। तो अब एफ ई डैश जो है वो एफ ई अपॉन के बराबर होगा और फिर हम सारे फोर्सेस को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करके सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू जो है वो 3/2 के बराबर आ जाएगी।